नमस्कार, मैं मनु सिंह। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट मिस्टर सेस कुमार। क्या होती है आईपीसी? बहुत सारे नागरिक बस का क्वेश्चन। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी गोइंग टू टेक यूजर क्वेश्चन। क्वेश्चन को लेने से पहले, जैसे हम हर वीडियो बताते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहिए अपनी डेमोक्रेसी, अपनी कंट्री और अपनी सोसाइटी के लिए। जहां तक हो सके नॉन वायलेंस पे चलिए और आने वाली जनरेशन को सेफ इन्वायरमेंट, सेफ सोसाइटी दीजिए, ताकि आगे चल के लोग अपनी नेचर, अपने साइंस, अपनी बायोलॉजी पे काम कर सके, ना कि वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहे। और जो ये वायरस चल रहा है उससे सेफ रहिए, अपने घर पे रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं सर के पास, ऋषेश कुमार सिंह जी और मैं सिद्धार्थ सिंह। सर, जो ये पहला क्वेश्चन आया हुआ है, ये संजू का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है, 5 लोगों के ऊपर धाराएं लगी हुई है 419 और 420, तो ये जानना चाह रहे हैं स्टे एक साथ होगा या फिर बारी बारी होगा सिक्वेंस वाइज। क्या कह रहे हैं, स्टे क्या होगा? पहले ये आईपीसी की धारा है, ठीक है। एक तो ये 419-20, इसमें 420 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है, गंभीर अपराध है जालसाजी में, ठीक है। और ये 499 मानहानि है नहीं, तो इन्होंने कहा है स्टे एक साथ मिलता है। स्टे क्या चीज है? स्टे इनका मेरे ख्याल से बेल होगा। हाँ, बेल चाह रहे होंगे, तो बेल इन्हें पहले लोअर कोर्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर बेल जैसे जो नॉन अवेलेबल है वो फिर सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, यहाँ से खारिज होगा सेशन कोर्ट में। अब वो जो अवेलेबल है वो भी, और जो नॉन अवेलेबल वो भी, सब जाके वही सेशन कोर्ट से ही बेल होगा, है नहीं? लोअर कोर्ट में तो खारिज हो जाएगा। तो उसके क्या, इसमें एक इंडिविजुअल अपनी बेल ले सकता है या पूरे केस में बेल लेनी पड़ती है? पूरे केस में बेल लेना पड़ेगा। अच्छा, एक इंडिविजुअल बेल नहीं ले सकता कि मैं नहीं इन्वॉल्व था इसमें? नहीं नहीं, इनको अगर लोअर कोर्ट में खारिज हो जाएगी, तो नॉन अवेलेबल केस है ना, लोअर कोर्ट खारिज होती है तो सेशन कोर्ट में हो जाएगी, है ना। सेशन कोर्ट में होता है, पहले बेल होती है। स्टे जैसा कोई प्राविधान नहीं है, ठीक है। या तो स्टे ऐसे हो सकता है कि ये FIR जो है वो खारिज कराने के लिए हाई कोर्ट जाए, है नहीं? तो वहाँ इकट्ठे अगर डिस्चार्ज हो जाता है, इनको कोई वहाँ से ऑर्डर हो जाता है तो बात अलग। हाँ, कैंसिलेशन ऑफ FIR हो जाएगा, है ना। अगर हाई कोर्ट अगर इनके खिलाफ कोई फर्जी रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, तो ये कैंसिलेशन का अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट को है, बाकी लोअर कोर्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे जी, ठीक है। इनको माननीय उच्च न्यायालय में, ये जो स्टे कह रहे हैं, स्टे का मतलब आपको लगता है यही सब होगा जो ये कह रहे हैं ना? आईपीसी में तो कोई स्टे का ऐसे प्राविधान है नहीं, कहीं सजा हो जाए तब स्टे कराइए, है नहीं? और या फिर स्टे इनको सजा हो गई हो तो ये स्टे चाहते होंगे। तो अगर सारे सेक्शन में होगा तो स्टे तो एक ही कोर्ट से हो जाएगा, सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे और वहां कोर्ट जैसा चाहेगा वैसा करेगी। इनको इनको अगर यहाँ इन केसेज में छुट्टी पाना है, इसको कैंसिलेट कराना है, तो FIR कैंसिलेशन के लिए इनको जाना पड़ सकता है ना, और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता अगर लोअर कोर्ट में आते हैं तो इनको बेल करानी पड़ेगी, बेल करा के ट्रायल में जाना पड़ेगा, ठीक है। इनको वहाँ बेगुनाह अपने को साबित करना पड़ेगा। सर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये गुलशन कुमार ने पूछा है। इन्होंने कहा है कि भाई मुझे झूठे केस में फंसा दिया गया है, मैं क्या करूँ? अब इन्होंने झूठे केस में, क्या झूठा केस है जी, कुछ केस हिस्ट्री इन्हें बतानी चाहिए जी। अगर जैसे झूठे केस में किसी को फंसाया गया है, तो एक तरीके से पॉजिटिव वे में सोचते हुए अपने एक प्लान वे में चाहिए। ये अपने को निरपराध है, ये खुद ही साबित कर सकते हैं, कोई गैर नहीं कुछ कर पाएगा जी। इनको खुद, आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, सही स्थिति इनको रखनी चाहिए जी, है ना। रिकॉर्ड इकट्ठा करें और सबूत, प्रूफ आपके पास मोबाइल है, इस इलेक्ट्रॉनिक युग में तो देख रहे हैं कितने दंगे हुए, लेकिन कोई फोर्जरी करने कोई आदमी बचा? जितने अपराधी थे वो सब सबका फोटो आ गया, है ना। आजकल फिल्म बनाई लेते हैं लोग, हर जगह है, वीडियो तैयार हो जाता है, वीडियो तैयार हो जाता है। तो वो सही चीज तो आप ला सकते हैं मीडिया इसके माध्यम से। आजकल फोटोग्राफी का युग है, हर चीज, और वो एविडेंस में ग्राह्य भी है, है ना। आप कोर्ट में उसको दाखिल करा सकते हैं, तलब करा सकते हैं, रिकॉर्ड उसका वेरिफिकेशन हो जाता है, है ना। तो आप अपने को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। ये चीज आपको खुद करना पड़ेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है ये सर रितेश यादव ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि इनकी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं,
टीआई और पैसे भी खा लिए हैं इनसे, आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में इन्हीं को फंसा देंगे अगर इन्होंने कहीं से लिखवा भी ली तो? ये कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना, पुलिस ऐसे सबको डराती रहती है और सब लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं, है ना। इनको अगर पुलिस नहीं कर रही थी ना 156(3) में सीआरपीसी के तहत जो प्रावधान है, इनको कोर्ट पे जाना चाहिए। पहली बात, जब लोकल थाने पे कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती तो आप पुलिस अधीक्षक को दीजिए, पुलिस अधीक्षक नहीं देते तो उसको कलेक्टर और उनको दोनों लोगों को देकर आप 156(3) में जा सकते हैं, तो उसमें कोर्ट संज्ञान ले लेगी, एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर घटना सही है, पहली बात तो अगर मारपीट हुई तो मेडिकल होना चाहिए, अगर मेडिकल है तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी पक्का, समझ, है ना। बहुत कुछ मेडिकल के ऊपर निर्भर करता है, जो प्रथम दृष्टया केस को प्रमाणित कर देते हैं, ठीक। तो फिर उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट सीधे ऑर्डर कर देगी, तो फिर आपको परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना पड़ेगा जी। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये होमकी ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कैन आई का फाइल आईपीसी 506 और ये कहाँ जाए, पहले कोर्ट के पास जाए या पुलिस के पास जाए? देखिए, पुलिस के पास भी जा सकते हैं, अगर कोई धमकी देता है, इनको लाइफ रिस्क है, तो इनको पुलिस के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि अंत तो पुलिस तो सबकी संरक्षक है, मतलब सबको सुरक्षा देती, संरक्षक क्या, सुरक्षा देना की जहाँ तक बात है वो पुलिस की जिम्मेदारी है, और चाहे अच्छी है बुरी है, पुलिस को ही सब कुछ देना पड़ता है, ठीक है, देती भी है, ये नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से नहीं देती है। तो आप पहले पुलिस में जाए, लोकल थाने पुलिस पे चाहे अप्लीकेशन दे सकते हैं, वहां नहीं कार्यवाही होती, आप पुलिस अधीक्षक के पास जाए जिनको जिला की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। अगर वो भी नहीं करते हैं तो फिर आप कोर्ट का सहारा लीजिए, तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं, जो आदमी जिसके साथ कोई अपराध होता है उसको न्याय मिल जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो लोग चुप बैठ जाते हैं उन्हीं का नुकसान होता है, बाकी जो लोग चलने फिरने वाले आदमी हैं, मीन्स जो घर पे नहीं बैठ जाते, जो लड़ाई झेलते हैं, कचहरी तक आते हैं, कोर्ट तक, उनको कहीं ना कहीं से न्याय मिल जाता है। ठीक है सर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो ये आया हुआ है, ये मंगेश का आया हुआ है, इन्होंने पूछा है क्या पुलिस अपने मन से कोई कलम लगा सकती है क्या? नहीं, पुलिस अपने मन से कोई नारा नहीं लगा सकती है जब तक घटना में वो चीजें ना आए जी, ठीक है। घटना अनुसार ही पुलिस, जो तहरीर दी जाती है उसी आधार पर पुलिस धारा लगाती है, कौन सा सेक्शन बनता है, तो वो उस एप्लीकेशन से अलग जाकर पुलिस कोई धारा नहीं लगा सकती, या तफ्तीश के दौरान कोई और आता है तो बयान से ही, हाँ, तो फिर जब ये पर्चा काटते हैं तब भी किसी का नाम घटाते बढ़ाते हैं, है नहीं, कोई उसमें और शामिल हो गया गवाह से कि इसमें यही आदमी नहीं है, कुछ और लोग अपराधी, तो उनको भी शामिल कर लेते हैं, है ना। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, सर ये जसवंत ने पूछा है, इन्होंने कहा है सर 365, 366A and 506 में बेल बॉन्ड भर लिया है, बेल हो गई, अब आगे क्या होगा? अब देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जब बेल हो जाती है तब आपको न्यायालय पर खड़ा होने का अधिकार हो जाता है, ठीक है। अब न्यायालय पर उसके बाद सुनवाई होती है, बेल हो गई, आप न्यायालय पर हाजिर हो गए, ठीक। अब न्यायालय फिर उसके बाद चार्ज बनाएगा, ठीक, चार्ज बनता है कि आपके विरुद्ध कौन कौन से अपराध हैं, कौन कौन से चार्ज हैं, उस पर आपका बयान लेगी कोर्ट, अगर डिनायल होता है तो केस एविडेंस में जाएगा, ठीक, अमूमन जो होता है, अगर कोई अपराधी अपराध को स्वीकार कर लेता है तब उसको सजा होती है, ठीक, अगर नहीं स्वीकार करता है तो न्यायालय पर ट्रायल होता है, तो फिर अभियोजन पक्ष को पहले साक्ष्य देने का मौका मिलता है, फिर सफाई पक्ष को देना पड़ता है, तो उसके बाद न्यायालय का निर्णय होता है, तो यही प्रोसेस इनके केस में भी अडॉप्ट होगा जी, है ना जी। तो मतलब इनको अभी, हाँ, अब इनको चार्ज बनेगा, अभी तो ये शुरुआत हुई है, ये अच्छा, इन्होंने बेल दिया है, इसका मतलब इनका बेल बांड दाखिल हो गया, हाँ, अब ये न्यायालय से इन्होंने दाखिल कर दिया, साहब हम कोर्ट पर रेगुलर हाजिर होते रहेंगे और अपने को बेगुनाह साबित करेंगे, ठीक। अब अभी अब कोर्ट
चार्ज बनाएगी इनके खिलाफ, क्या क्या चार्ज, इन्होंने अपराध कौन कौन सा किया है। अच्छा जी, बेल बॉन्ड तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बेल मिल गई, बॉन्ड बेल बॉन्ड जो बेल बॉन्ड का मतलब यह है कि इस चीज की आपने श्योरिटी दे दी है कोर्ट पर कि आप रेगुलर कोर्ट पे हाजिर होते रहेंगे और अपने को बेगुनाह साबित करेंगे जी। फिर उसके बाद चार्ज बनता है ठीक, फिर उस चार्ज के आधार पर अभियोजन पक्ष से गवाही मांगी जाती है कि साहब इतने चार्ज बने हैं, इसमें क्या क्या है, चार्ज का बयान होता है। तो ये सब प्रोसेस अडॉप्ट होता है कोर्ट का है काम जी, है जी जी, और टाइम टेकिंग कोर्ट का हाँ, प्रोसेस होता है। तो ये होता है, अगर इस पर हमने शायद वीडियो बहुत जी, जी, काफी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो भी। तो थैंक फॉर योर टाइम सर। तो फिर आपने देखा किस तरीके से हमने कुछ क्वेश्चन लिए और उनके आंसर दिए। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आए तो आप तक पहुंचे। और अगर आपकी मदद हो रही है तो दूसरों की भी मदद करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और जहां तक हो सके नॉन वायलेंस पे चलिए, अपनी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ दीजिए, और जहां तक हो सके नेक्स्ट जनरेशन तक एक सेफ एक जो भावना लोगों के अंदर होती है, जाके वकील कर लेते हैं तो पैसा दे आते हैं तो समझ लेते हैं कि हम छूट गए जी। एग्जैक्टली वो चीज नहीं होना चाहिए। वकील जजमेंट नहीं लिखता, वकील आपकी बात को न्यायालय पर प्रस्तुत करता है जी। हम ये देखते हैं कि तमाम वकील जो है, जो अभियुक्त है या समझ लीजिए जिनका केस चल रहा है, वकील को फीस जमा कर दिए तो फिर वो समझ गए कि हम छूट गए, उनको पता है, एक धारणा आदमी के अंदर बन जाती है। लेकिन एक्चुअल में अब फिर जब वो केस फंस जाता है तब उनको लगता है कि वकील ने गलत किया मेरे साथ, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता है, वो समझ की फेर होती है। जो आदमी न्यायालय पर जाता है, वकील को फीस देता है, वकील जजमेंट नहीं कर सकता, आपकी बात को अदालत पर रख सकता है अच्छी तरह से, लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो आपको निरपराधी नहीं बना सकता जी। एग्जैक्टली, सिर्फ यह है कि अगर आपको गलत फंसाया गया है, चोट बाएं लगी हुई, सारी रिपोर्ट दाएं आ रही है, तो वकील उसको उजागर कर देता है कि साहब पुलिस ने इसको फेक बनाया है, ठीक है। जब फेक और सही में अंतर वहीं क्लियर हो जाता है, तो आप वकील से कभी उम्मीद न कीजिए कि आप वकील आपको 100% जजमेंट आपके पक्ष में देगा जी। सबूत आपको ही जुटाना है और अपने को बेगुनाह आपको ही साबित करना है जी। आम तौर पे धारणा है, इसीलिए लोग बहुत लोग वकीलों से दुश्मनी कर लेते हैं जी। exactly. देखो वकील, आप एक वकील आप नहीं करोगे दूसरा कर लोगे, रास्ता तो वही है, वही सेम है जी। अब आप जज से सुन समझे कि जज साहब न्याय कर देंगे, बिना वकील के न्याय हो ही नहीं पाएगा। तो सबका अपना अपना रोल है उसमें, ठीक है। नाटक आपने देखा है, उसमें क्या होता है, फेक वकील बनते हैं, फेक जज रहते हैं, फेक सब रहता है, लेकिन एक नाटक जो रूपांतरित करते हैं वही चीज न्यायालय पे है। और लोग वकील से अपेक्षा बहुत ज्यादा करते हैं जी, इसलिए समाज में वकीलों की आलोचना भी होती है जी। एक दो कमेंट भी आया था, उसमें लिखा हुआ था ऐसा सर कि आप तो एडवोकेट की बहुत तारीफ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वकील 100% देता है अपने मुवक्किल के लिए, जितना जूझता है वकील उतना कोई करता। अभी निर्भया केस हुआ है, देखा रात में 12 बजे तक बहस किया होगी, उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन देखिए कितनी उसकी आलोचना हो रही है कि उसने तो उस अपराधी को बचाने के प्रयास किया। भाई उसका वही काम है जी, वो अपनी बात को रख रहा है जी। अब अगर उसके अभियुक्तों ने ऐसा अपराध किया है जो अक्षम्य है तो सजा तो उनको होगी ही जी, लेकिन वकील का काम है 100% देना जी। वो सिर्फ वकील दे सकता है, बाकी किसी बस की बात नहीं है जी। मैं तो उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ जी, जो सिंह साहब उसमें पैरवी कर रहे थे निर्भया केस में जी, उसने जिस हिसाब से मेहनत किया है जी, तभी मैं कहता हूँ कि वकील 100% देता है, बाकी किसी विभाग में ऐसी क्षमता नहीं जी, ठीक है जी। कई कमेंट जो आए हैं उन्होंने कहा है ये चीज की सर आप एडवोकेट की इतनी तारीफ कर रहे हैं बट हमें तो मेंटल हैरेसमेंट कर दिया है एडवोकेट वकील। वही तो, अब जो आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वकील साहब आपको जजमेंट दे देंगे, आपको रिहा करा देंगे तुरंत केस में, वो सारे आपके सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर ही वकील आपको कोशिश करता बचाने की, उसके अधिकार में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी केस को प्रेजेंट करता है ना, आप उससे क्यों उम्मीद करते हैं कि जजमेंट कर देगा। तो इसलिए आपका हैरेसमेंट होता है कि इसलिए कि आप उससे उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं जी। तो आप कभी ये ना समझें कि वकील साहब हमको 100% डिग्री दे देंगे केस में या आपको अपराध से बचा ही देंगे जी। तो हैरेसमेंट वही हो जाता है जहां आपको आप अपने केस के बारे में ज्ञान नहीं रखते, आपको अपने वकील का पीछा करना चाहिए। अगर आप फीस देते हैं तो उनसे पूछ भी सकते हैं कि साहब भाई इस केस में आज आपने क्या किया, ठीक है। आप रेगुलर अपने वकील से पूछिए, तो आप अगर
सावधान रहेंगे तो आपका वकील भी सावधान रहेगा। वैसे तो वकील अपने हर केस में बराबर, वकील हारता है तो उसको उतना क्लेश नहीं होता जितना वकील को होता है जी, ठीक है। वकील को पता होता असल में एक्चुअल चीजें वकील को ही पता होती है कि इसमें अपराध हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ जी, तो वो अपना पूरा जान लगा देता है जी, ठीक है, उसको लगता है कि जैसे ये गुनाह हो रहा है। लेकिन अब जज को तो पता नहीं, जज तो फाइल देखता है, फाइल अगर बोलती है कि अपराध हुआ है तो हुआ है जी जी हाँ, अगर इनोसेंट को किसी को सजा होती तो वो तो एडवोकेट तो परेशान हो गए, वकील को पता रहता है कि इसमें हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि सीधे टच होता है समाज से, तो वकील बेहतर जानता है। लेकिन उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो केस छोड़ दे जी, उसको सिर्फ ये अधिकार है कि वो अपने केस को भली प्रकार अदालत पे रखे, ठीक है, तो उसमें सबूतों के आधार पर ही उसमें दांव पेच करता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि वकील अपना 100% देता है, ऐसा कोई विभाग नहीं जो इतना अपने अपने काम के प्रति इतना डिवोटेड हो। हाँ, डिवोटेड हो, जितने पढ़े लिखे वो लोग आते हैं, अनपढ़ आते हैं, हमारे यहाँ सब दस्तखत सादे कागज पे बना के जाते हैं, अगर वकील पे विश्वास ना हो तो कोई नहीं करेगा जी। अपने भाई पटीदार अपने लड़के तक को आदमी सादे कागज पे दस्तखत बना के नहीं देता जी, एग्जैक्टली, ठीक है। हमारे यहाँ वकील आते हैं, आंख मूंद के दस्तखत बनाते हैं, वकील साहब लीजिए अब हम जा रहे हैं, इसमें ड्राफ्टिंग करा लीजिएगा, एग्जैक्टली, ये विश्वास है जी, ट्रस्ट है जी। ठीक है सर, थैंक फॉर योर टाइम। तो देखा आपने सर ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, अगर इन बातों से आपका कोई क्रॉस क्वेश्चन निकलता है तो प्लीज पूछिए, हम ट्राई करेंगे सर से पूछने के लिए। अगर हम आपके क्वेश्चन नहीं ले पाए हैं तो प्लीज आप दोबारा से पूछिए, हम ट्राई करेंगे उन क्वेश्चन को लेने की। एक्चुअल में क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है, सर के पास टाइम कम है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कि हम 100% दें, 100% इन यूजर्स तक पहुंचे और जितने भी क्वेश्चन उनके ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाए। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।